नमस्कार दोस्तों, हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि जो है साउंड क्या होते हैं, ऑडिबल साउंड किसे कहते हैं, इन ऑडिबल साउंड किसे कहते हैं, और हमने नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों जो चार्ज होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, रबिंग के द्वारा। इसके पहले जो है 600 ईसा पूर्व जो प्राचीन यूनानी थे वो क्या मानते थे कि एम्बर क्या है। एम्बर एक प्रकार की राख है। जब इसको हम किस पे फर से जब हम एम्बर को रगड़ते हैं तो क्या होता है, यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर, बालों जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसी तरह आप देखे होंगे कि ऊनी और प्लास्टिक के वस्त्रों को जब आप उतारते हैं तो आपके बाल जो है क्या होते हैं, शरीर के वो खड़े हो जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं ये चार्ज उत्पन्न कैसे होता है। दोस्तों जब हम एक प्लास्टिक के रिफिल को किस पे रब करते हैं, किसी पॉलीथीन पे, तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर कर लेता है। सिमिलरली इसी तरह जब हम प्लास्टिक की कंघी को अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं तो वो क्या कर लेता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो इन ऑब्जेक्ट को क्या हम कहते हैं, इन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। और प्रोसेस जो होती है इन सबको चार्ज करने की, रिफिल की, प्लास्टिक की, कॉम्ब और पॉलीथीन, हेयर, ये सब चार्ज हो जाते हैं। तो इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, चार्ज किसी चीज को रगड़ने से उत्पन्न होता है, रबिंग से। अब हम देखेंगे कि चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है चार्ज ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, किसके थ्रू, किसी मेटल कंडक्टर के थ्रू जो है वो चार्ज ट्रांसफर होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि स्टोरी जो लाइटिंग की है वो क्या है। तो दोस्तों जो बादल होता है इसके ऊपरी सिरे पर क्या होता है, आप देख रहे हैं इसके ऊपरी सिरे पर क्या है, धनावेश है, धनावेश है। और बादल के निचले सिरे पर क्या है, इसके निचले सिरे पर ऋणात्मक आवेश है। बादल के ऊपरी सिरे पर क्या है, ऊपरी सिरे पर क्या है, धनात्मक है। और निचला निचला सिरा क्या है इसका, निचला सिरा ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। जबकि जो धरती है अर्थ, उसका क्या है, उसका जो जमीन वाला निचला पार्ट है ये क्या है, ये धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये अर्थ क्रस्ट है, ये नीचे का पार्ट इसका क्या है, ये धनावेशित है। तो दोस्तों जब अर्थ क्रस्ट पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा धनावेश जैसे कि आप देख रहे हैं इकट्ठा हो जाता है, तो एयर जो विद्युत की क्या है, एयर क्या है, विद्युत की क्या है, एयर विद्युत की क्या है, कुचालक है, कुचालक है। ये आवेशों के प्रवाह को कुचालक है, ये आवेशों के प्रवाह को क्या है, रोक नहीं पाती है। तो दोस्तों जब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली चमकीली धारियां और चमकीली धारियां और ध्वनि ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे हम लाइटिंग के रूप में देखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो ये लाइटिंग की प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या हिंदी में हम कह सकते हैं विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि लाइट की कहानी क्या है, लाइटिंग की। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जब कहीं तड़ित झंझा हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब कभी तड़ित झंझा हो रहा हो तो खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या निर्माण कार्य हेतु मशीनें जो होती हैं, ये सब क्या है, सुरक्षित सुरक्षित स्थान नहीं है, सुरक्षित स्थान नहीं है। दोस्तों अगर आप कहीं ऐसे जगह हो जहां खुला मैदान हो, खुला मैदान हो, खुला मैदान हो,
खुला मैदान हो तो वहां आप क्या करेंगे, वहां आप ऐसे अपने घुटने को मोड़ के हाथ ऐसे करके सिर इस पे रख लेंगे, लेकिन जमीन पे आप खुले मैदान में लेटेंगे नहीं, जमीन पर लेटना नहीं है। अगर कहीं आप हो जहाँ पे छोटे छोटे वृक्ष हो, छोटे छोटे वृक्ष हो, तो आप उन छोटे वृक्षों की शरण ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं। दोस्तों जब कभी लाइटिंग हो रही हो, लाइटिंग हो रही हो, तो उस टाइम जो टेलीफोन टेलीफोन के तार हैं, टेलीफोन के तार, विद्युत तार, धातु की पाइपों को नहीं छूना है, धातु की पाइपों को नहीं छूना है, क्योंकि वो हमें क्या कर सकती हैं, क्योंकि वो हमें नुकसान या आघात पहुंचा सकती हैं। इसलिए विद्युत उपकरण लगे प्लगों को क्या करना है, सर्किट से क्या करना है, सर्किट से निकाल देना है कड़ी झंझा के समय। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि जो लाइटिंग कंडक्टर या लाइटिंग चालक क्या होते हैं। लाइटिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको यूज किया जाता है बिल्डिंग को बचाने में, किसके लाइट के इफेक्ट से बचाने में इस लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। ये होता क्या है दोस्तों, ये एक मेटालिक रॉड होती है जो बिल्डिंग से ऊंची होती है, और जब बिल्डिंग बन रही होती है तो बिल्डिंग की वॉल में इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। दोस्तों जो इस छड़ का एक सिरा होता है उसको कहाँ रखते हैं, एक सिरा होता है इसको वायु में क्या करते हैं, इसको वायु में खुला रखते हैं। जबकि इसका जो दूसरा सिरा है, इसको जमीन में काफी गहराई तक गाड़ देते हैं। इस तरीके से ये धातु की जो छड़ होती है वो विद्युत आवेशों को जमीन तक पहुंचाने में सरल पथ प्रदान करती है। इसलिए लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग किया जाता है बिल्डिंगों में, बिल्डिंगों को लाइटिंग इफेक्ट से बचाने के लिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भूकंप क्या होता है। भूकंप का मतलब होता है दोस्तों, इसमें सडन अचानक क्या हो जाता है, शेकिंग या ट्रेम्बलिंग होती है अर्थ की, जो बहुत थोड़े समय के लिए होती है। यह होता क्यों है दोस्तों, यह पृथ्वी की जो भूपरपटी है उसके भीतर गहराई में जो डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से यह भूकंप आता है। दोस्तों भूकंप क्या कॉज कर सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को डैमेज कर सकता है, ब्रिज को और डैम को और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भूकंप क्या कॉज करता है। भूकंप बाढ़ ला सकता है, भूस्खलन कर सकता है और सुनामी लाता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये भूकंप आने का कारण क्या है। तो जो भूकंप होता है वो किसकी वजह से होता है, प्लेटों के मूवमेंट की वजह से होता है। ये जो बाउंड्री होती है प्लेट की वो बहुत वीक जोन होती है, इसलिए भूकंप जो होता है मोर लाइकली इस एरिया में आता है। वीक जोन को क्या कहते हैं दोस्तों, उस वीक जोन को सेस्मिक या फॉल्ट जोन कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, मूवमेंट होता है प्लेटों में उसके डिस्टरबेंस की वजह से ही ये भूकंप आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है दोस्तों, कश्मीर में आता है, वेस्टर्न एंड एस्टर्न हिमालय में आता है, होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आता है, रैन ऑफ कच्छ में आता है, राजस्थान में और इंडो जिजेंटिक प्लेन में आता है। दोस्तों ये नोट इम्पोर्टेंट है कि जो पावर होती है भूकंप की उसको हम किस पे एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम रिएक्टर स्केल में एक्सप्रेस करते हैं। अगर इस रिएक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड अगर 7 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये भूकंप जो है रियली हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है और बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। दूसरा नोट है दोस्तों, जो ट्रिमर होता है ये क्या करता है, तरंगे प्रोड्यूस करता है अर्थ की सरफेस पे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को किससे रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे सेस्मोग्राफ कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, भूकंपी तरंगों को किससे रिकॉर्ड किया जाता है, सेस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट से।
अब हम पढ़ेंगे दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट, पॉइंट वन और पॉइंट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो दोस्तों जब कोई लाइट रे कहाँ किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसे क्या कहते हैं, जो लाइट रे स्ट्राइक कर रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जैसे ये रे यहाँ सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे सरफेस से आती है रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। दोस्तों जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो कब होता है, जब लाइट कहाँ गिरती है, किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे गिरती है और वो सरफेस रेगुलर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब वो किसी रफ सरफेस से हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ देखा कि ये इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे गिर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है बाद में, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला गया। तो दोस्तों जहां पे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है किसी मिरर से तो वो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दोस्तों पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे जो होती है वो क्या बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये इक्वल एंगल बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है दोनों एक ही प्लेन में लाई करती है। अभी आपने देखा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रही है, ये इसका प्लेन है, एक ही प्लेन में लाई कर रही है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व, इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन हिंदी में। तो दोस्तों जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के द्वारा, जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ अपीयर होता है, राइट साइड, और राइट साइड ऑब्जेक्ट का वो लेफ्ट साइड अपीयर होता है, इसे हम लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब पैरेलल रे किस पे गिरती है, किसी रफ या इररेगुलर सरफेस पे गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर वो किसी स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सरफेस कैसी है, ये सरफेस रफ है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, इस पे क्या हो रहा है, इस पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्यूज पैरेलल रे इस पे इंसिडेंट हो रही है, दोस्तों आप ये देख रहे हैं, लेकिन ये सरफेस कैसा है, रफ है या इररेगुलर हम बोल सकते हैं, इररेगुलर सरफेस है। तो रे क्या हो रही है, वो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये बहुत इररेगुलरली रिफ्लेक्ट हो रही है, हर एक की डायरेक्शन अलग अलग जा रही है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन अभी हमने बताया कि स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस पे जो रे गिरती है वो क्या कॉज करवाती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप ये देख रहे होंगे पैरेलल रे इस पे आई और इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सब कैसा हो रहा है, वो सब पैरेललली रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दोस्तों ये नोट इम्पॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर के द्वारा क्या होता है, सिंगल इमेज किसी ऑब्जेक्ट का बनता है, एक दूसरे से दोस्तों किसी कोण पर रखे दर्पणों के द्वारा अनेक प्रतिबिंब बनने की जो धारणा होती है उसका यूज कहाँ किया जाता है, बहुमूर्तिदर्शी में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने में किया जाता है। ये आकर्षक पैटर्न क्यों बन जाते हैं बहुमूर्तिदर्शी में, क्योंकि जो है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, ये नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सनलाइट होती है इसे क्या कहते हैं, इसे व्हाइट लाइट कहते हैं, और ये सेबन कलर का बना होता है।
दूसरा नोट क्या है दोस्तों, जो लाइट की स्प्लिटिंग होती है उसके कलर में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। रेनबो क्या है, रेनबो नेचुरल फिनोमिना है जो शो करता है डिस्पर्जन, क्योंकि उसकी जो स्प्लिटिंग होती है लाइट का उसके कलर में हो जाती है, इसलिए रेनबो क्या शो करती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट शो करती है ये फिनोमिना। दोस्तों हमारा आई बॉल क्या है, आई बॉल क्या है, आई बॉल जो होता है इसमें तीन लेयर होती है, पहली लेयर स्क्लेरॉयड होती है, स्क्लेरॉयड फिर कोरॉयड होती है, तीसरी वाली लेयर रेटिना होती है, सबसे बाहर की लेयर क्या है, ये स्क्लेरॉयड है, स्क्लेरॉयड है। इसका जो एंटीरियर पोर्शन है ये क्या बनाता है दोस्तों, इसका एंटीरियर पोर्शन कॉर्निया बनाता है, और कोरोइड, कोरोइड बीच वाला पार्ट होता है, तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन है ये क्या बनाता है, ये सिलियरी बॉडी बनाता है, ये लेंस को अपने स्थान में रखने में मदद करता है। दोस्तों जो आयरिस होता है वो क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल किससे कंट्रोल होती है दोस्तों, आयरिस से कंट्रोल होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयरिस क्या प्रदान करता है, आयरिस डिफरेंट कलर प्रदान करता है आई को। दोस्तों इनर लेयर क्या होती है, अभी हमने बताया रेटिना होती है, इनर लेयर रेटिना होती है, इसके पास क्या होता है, इसके पास नर्व, नर्व सेल होती है, इस नर्व सेल के द्वारा क्या होता है, जो सेंसेशन हम फील करते हैं वो ब्रेन तक पहुंचता है इस नर्व के द्वारा। तो दोस्तों आयरिस का काम क्या होता है, आयरिस काम क्या करती है, आयरिस कंट्रोल करती है जो लाइट इंटर कर रहा है आई में, उसके अमाउंट को कंट्रोल करती है। और दोस्तों आयरिस क्या प्रदान करती है, एग्जांपल के तौर पे किसी पर्सन का, किसी पर्सन की कैसी है, ग्रीन आई है, ग्रीन आई है, मतलब वो ग्रीन आई जो शो कर रहा है वो कलर है किसका, कलर है आयरिस का। आयरिस क्या है, आई को डिफरेंट कलर प्रदान करता है। कौन जो होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कौन सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट के लिए, और रॉड सेंसिटिव होता है डिम लाइट के लिए। कौन और क्या करता है, वो कलर को सेंस करता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, ये भी नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जो इम्प्रेशन होता है इमेज का वो बैनिश नहीं होता है तुरंत ही रेटिना से, ये 1/16 सेकेंड तक रहता है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि कितनी देर तक इंप्रेशन इमेज का रहता है रेटिना पर। दोस्तों जो मूवी होती है, मूवी जिसे हम देखते हैं, वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली इसमें क्या है, नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस में वो मूव करते हैं हमारी आई से, यूजुअली कितने रेट से, 24 पिक्चर पर सेकंड या फास्टर देन 16 पर सेकंड, इस वजह से हम मूविंग चलचित्र को क्या है देख पाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये तीसरा नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस होती है जिसे हम नॉर्मल आई से पढ़ सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बटरफ्लाई की क्या होती है, लार्ज आई होती है, और वो किस तरीके से दिखती है, उसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आई की बनी होती है, वो ना तो केवल आगे देख सकता है और ना पीछे, बल्कि क्या है वो साइड में भी देख लेता है। अगला नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो नाइट बर्ड होती हैं, जैसे उल्लू हो गया, वो रात में बहुत अच्छी तरीके से देख लेता है लेकिन दिन में नहीं, जबकि जो डे बर्ड होती है, डे लाइट बर्ड, जैसे काइट हो गया, चील हो गया, ये क्या है केवल दिन में देख पाते हैं रात में नहीं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, जो उल्लू होता है उसके पास क्या होता है, लार्ज कार्निया होता है, लार्ज प्यूपिल होता है, जिसकी वजह से उसकी आई में क्या है ज्यादा लाइट इंटर करती है, और उसकी जो रेटिना होती है उसमें सबसे ज्यादा रॉड होता है, कोन बहुत कम होता है। अभी हमने बताया था रॉड किसके लिए सेंसिटिव होता है, डिम लाइट के लिए, और कोन किसके लिए सेंसिटिव होता है, ब्राइट लाइट के लिए, चूंकि इसमें रॉड की संख्या ज्यादा है इसलिए ये किसमें रात में देख पाता है, और जो डे बर्ड होती है उसमें कोन की संख्या ज्यादा होती है इसलिए वो क्या है वो दिन में देख पाती है।
तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने देखा कि चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, स्टोरी लाइटिंग की क्या है, भूकंप क्यों आते हैं और वो कॉज क्या करते हैं, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा और रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं हमने उसको पढ़ा, हमने आई का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में जाना दोस्तों, और इसके बाद हमने ये जितने भी नोट बताए हैं दोस्तों ये सारे नोट पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।